Hey, Inoshi, what happened? Are you all right? हाँ हाँ all right. तो ऐसे सोफे पे क्यों पड़ी हुई हो? ओहो रोजा है, भूखी हूँ, प्यासी हूँ, पर तुम्हें थकी हुई क्यों लग रही हो? तुम्हारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा क्या? अरे बाबा एसी काम कर रहा है, मैं वर्कआउट करके आ रही हूँ. तो तुमने रोजे में एक्सरसाइज किया? तो रोजा का मतलब क्या रूटीन खराब कर दो? नो Inoshi. वाह वाह वाह, हम तो सिर्फ रोजे में आराम ही करते हैं और कुछ नहीं होता. सिर्फ आराम ही करते हैं, सारी दुनिया जानती है कि ये जो Inoshi है ना, ये बहुत बड़ी नेस्ती है. इनकी कमी थी खाली पेट. अरे मैडी बहुत खुशी हुई बेटा कि तुम बाहर रहती हो लेकिन रोजे की रूह को समझती हो. थैंक यू सो मच करण आंटी. अच्छा ये तो मैंने सुन लिया कि तुम वर्जिश कर रही. मुंह से एक्सरसाइज नहीं करता, मुंह टूट रहा है तुम्हारा बोलते हुए. आता है मुझे एक्सरसाइज बोलना, लेकिन मैं तो ये कोशिश कर रही हूँ कि इसकी उर्दू जरा अच्छी हो जाए. रियली दैट्स सो स्वीट ऑफ यू आंटी. सिर्फ आंटी ही समझ में आया है तो कुछ करने नहीं पड़ा. हाँ तो तुमने एक्सरसाइज कर ली तो फिर ये कपड़े तो बदल लो ना. करण आंटी मैं सोच रही थी थोड़ी सी मैं खुली हवा में नीचे लॉन में जाके एक्सरसाइज कर लूँ. लॉन में? तुमको क्यों झटका लग रहा है लॉन सुन के? वो तीन जो है ना कमबख्त, वो नीचे सो रहे, किसी वक्त भी उठ जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है. हाँ इसकी आवाज सुनेंगे तो दो मिलाते हुए पीछे पीछे चले जाएंगे. खबरदार जो मेरे बेटों को वो कहा है तो. अच्छा और तुमने अपने शोहर का नाम नहीं लिया? वो तो मैं उसे प्यार से बोल देती हूँ कभी कभी. अच्छा खैरन आंटी मैं बिल्कुल चुप छाप जाएगी, कोई आवाज नहीं करेगी. ठीक है ठीक, बाय, सी यू Inoshi. अच्छा मुंह गए आज मी तो की तो इसे शादी की बात कर ले तो करम करो बब्बन भैया, तुम्हारा रोजा है आज. तू यहाँ क्या कर रहा है? हम देखने आए थे कि तुम अपनी भाभी के बारे में क्या सोचते हो. मैं तुझे बताऊँ मैं क्या सोचता हूँ, चले जा यहाँ से. ए खबरदार तुमने शोर किया तो मुक्का मार देंगे तुम्हारे मुंह पे. मैं तुझे बताऊँ मुक्का मार देंगे. चुप करो. अरे चुप करो दोनों. अब्बा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मुझे एक तो ये बात समझ नहीं आती अब्बा, तुम रमजानों में इतने आजाद घूमते कैसे? अपनी बकवास बंद करो. हम यहाँ माइडी को त्योहार छोटी अम्मी बनाने का सोच रहे हैं और तुम लोग अपने चक्कर में लगे रहते हो. अब्बा हम तुम्हारी सारी चालाकी समझते हैं, तुम रोजे में शहीद होके ना जन्नत में जाना चाहते हो. शर्म कर, बाप है तेरा. हाँ तो तेरा तो चाचा है ना. मेरा चाचा? मैं उसको बचपन से बाप समझ रहा हूँ. एक गधे हमारा बाप यही. अरे बाप के बच्चे हाँ लड़ो मत आपस में. अरे वो देखो माइडी क्या कर रही है. चलो चलो चल के पूछते हैं. आप लोग उठ कैसे गया? मैं तो आवाज भी नहीं किया. मेडी आप तो जब से हमारे घर में आए ना अल्लाह की कसम हमारी आंखें बंद ही नहीं हो रही है. ये मैडी क्या कर रही थी? इसे योगा कहते हैं. और भाई बात यह है कि हम का करवा लो ना ये जो ओगा है. योगा बात सुनो, ये योगा करोगे ना तुम्हारा नाफ उतर के टांगों से बाहर निकल आएगा. अरे कहा नाफ उतर जाएगा, अभी देखो अब्बा में कहा ताकत है. माइडी अपने पतले पतले हाथों से हम का योगा करवाओ ना. चलो जाओ करो देखते हैं. ओह यार मिस्टर वजीर प्लीज कम कम यू कैन जॉइन मी. अब्बा का अब्बा यहां अब्बा. मैं कह रहा था ऐसा रहो कि पतले पतले हाथों से ना तुम्हारी पतली पतली जान निकल जाए. अरे अब्बा में बड़ी ताकत है, अभी देखो करो. मिस्टर वजीर रिलैक्स रिलैक्स इजी. ऐसा लग रहा है बिल्ली को चार दिन से खाने नहीं. यू हैव टू सिट लाइक मी फर्स्ट. ना कर ये जान इसे. हेलो खैरन थोड़ा सा चेक तो करो. क्या चेक करूं? अरे बुड्ढा बकरा है, इसके पूरे दांत है. ओहो चेक करो कि एम्बुलेंस बुलानी है या मैयत गाड़ी. ये मुंह में खाक, ये मरा थोड़ी है, बेहोश है. तो होश में कैसे आएगा? अभी देखो Inoshi और मैडी एक साथ है. अरे Inoshi तो ही रही, मैडी कहाँ है? देख लिया तुमने कैसे औकात में आया. अरे खैरन हम कहाँ है? तो अपने पिंजरे में है वजीर. पिंजरे में? अरे हम कहाँ, बंदर हैं. वाह वाह वाह, न चीता बोला ना हाथी बोला, डायरेक्ट अपनी औकात पे आया. अरे तुमसे किसने कहा था कि इस जसामत पे तुम वर्जिश करो, वो भी रोजे में? अरे वो खैरन कहा है ना कि मैडी जो है वो वर्जिश कर रही थी और हमका भी दावत दे दी तो हमसे रहा नहीं गया. तो अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा तुम्हारा गला दबा. अरे खैरन खैरन उसको छोड़ो, उसका फोन बज रहा है. चलो फोन सुन लो, बाद में गला दबाऊंगी. शुक्रिया. अरे हेलो. हाँ
अरे हाँ हम ही बोल रहे हैं, वजीर एक ही है। हाँ बताइए। अरे बख्तू भैया, अरे क्या हाल है? हाँ हम ठीक है। का आ रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ बाय बाय बाय। कौन आ रहा है? वो हमारा कजन है ना बख्तू भैया, वो औरंगी टाउन में रहता है, वो यहाँ आ रहा है। वाह भाई वाह, बड़े तेरे नए नए रिश्तेदार पैदा हो रहे, मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। अरे मैंने भी नहीं सुना, तूने क्या नहीं सुना? बारात में तो सिर्फ इसके अम्मा अब्बा आए थे। अरे छोड़ो बेकार की बातों को, हैरान कर रखा इसमें, जरा घर की सफाई कर लीजिए, हमारा कजन आ रहा है। अरे चलो मैं सफाई करूंगी, खबरदार जब तुम उसको अंदर लेके आए, बार बार से रुखसत करो उसे। अच्छा ठीक है, कोशिश कर लेंगे। हाय हाय हैरन, तुम्हारे ससुराली है, उन्हें अंदर बुलाओ, खाना खिलाओ। अरे चलो, इनके रिश्तेदारों को तो मैं कभी भी मुंह ना लगाऊं, रिश्तेदार आ रहे। चलो उठो तुम सफाई करो और बाहर ले जाना, अच्छा खबरदार अंदर मत लेके आना। सफाई करो, चलो उठो, कुछ खुद भी कर लो ताकि वजन कम हो जाए। चलो उठो, मुसीबत हर रोज किसी न किसी को बुला लेते। अरे चलो, ऐसा गैर नमूना है तुम्हारा जो दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ए कौन हो जो हमारे बैंड में घुस रहे हो तुम? एकदम बिहार शरीफ के लगते हो, तुम कौन हो? अबे हम तुझसे पूछ रहे, तू हमारा शनाख्ती कार्ड निकलवा रहा, कौन है बे? सीधा सीधा बता। हम बख्तू हैं, वजीर के संजली अब्बा के बेटे। अरे ये संजलीला बंसारी तो सुने, संजलीला बेटा कौन से होते हैं भाई? अरे पता नहीं, हमने पहली बार सुना। कौन हो भाई? अरे हम, अरे वजीर को बुलाओ यार, हम उसी से पूछ लेंगे। वजीर, अरे वजीर बा किधर हो? अबे ऊपर क्या देख रहा है अब्बा, हमारा दर्द में थोड़ी देता है, अंदर गर्मी रहता है। तुम लोग कौन हो? ए भाई, ये जो वजीर है ना, ये हमारे अब्बा है। हाँ मतलब हम उसके बेटे। ये है बब्बन, ये है प्यारे, यानी कि हम ब्रदर्स हैं, मतलब दोनों के दोनों। अरे वजीर के बच्चे आओ, एकदम हमारे गले लग जाओ। रुक जाओ भाई बख्तू चाचा, आओ हम तुम्हें वजीर के पास छोड़ देते हैं। चलो वजीर किधर है? सीधा चलो, सीधा चलो सीधा। अरे का जमाना आ गया, बाप झाड़ू दे रहा है और कोई मदद करने वाला ना ही। खैर वैसे ये जमाना तो बहुत पहले ही आ गया था, अब तो हमका आदत हो जानी चाहिए। अब तो आदत सी है हमका ऐसे जीने में। झाड़ू लगाओ ठीक से, अब्बा शाबाश। हाँ अगर सही झाड़ू नहीं लगाया तो पकौड़ा नहीं देंगे रात को, बता रहे हैं। शर्म तुमको मगर ना ही आती। शर्म नहीं आती अब्बा, सही से करो यार, नाक में आ रहा है हमारी। अरे शर्म को छोड़ो, हम बताते कोई आया तुमसे मिलने के लिए। आ जाओ संजले वाले भाई, आओ। अबे यार, अरे पख्तू भाई आ गए, आजा आजा आजा। कैसे हो? अरे कैसे हो? ईका तुम झाड़ू उड़ू लगा रहे हो? अरे नहीं नहीं, अरे ये तो यहाँ पे ऐसे ही हमारी बीवी लगा कर गई है, हम तो रख रहे थे, वो गलती से यहाँ भूल गई। झूठ बोले, झूठ बोले, ये झूठ बोले, ये इसकी ड्यूटी है। हम बताएं ड्यूटी में और काका शामिल है। अरे चुप करो, यहाँ से जाओ, अब हम और बख्तू भैया बातें करेंगे। अब तुम और तुम्हारा भाई ना टॉम एंड जेरी लग रहे हो ऐसे, अल्लाह की कसम। चल यार प्यारे, आजा चलो यहाँ चल के रोजा गुजारते हैं। पैर नीचे रख के बैठो, चलो हमारा घर है आराम से। अरे ऊपर रखो, हम मालिक हैं इस घर के। और सुनो सब ठीक ठाक है? सब अल्लाह का शुक्र है। हाँ। तुम बताओ, तुमको शर्म उरम नहीं आ रही घर में ये सब काम कर रहे हो? अरे छोड़ो ना, को अपनी सुनो, अपनी खानदान के बारे में सुनो, का बच्चों अच्छों का बताओ। हाँ बच्चे अच्छे का, दो बच्चे हैं। हाँ। ये बड़ा वाला कॉलेज जाता है, छोटा वाला स्कूल जाता है। अरे वाह वाह माशाल्लाह, पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं भाई, एक कॉलेज में बन कबाब का ठेला लगा रहा है, दूसरा स्कूल में लगा रहा है, और देख धनाधन नोट पीट रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, हमका अभी याद आया। अरे ये तो तुम्हारा खानदानी काम है ना, बन कबाब वाला। और तुम्हारा लड़कन सब आजकल क्या कर रहे हैं? अरे बातें, सिर्फ बातें कर रहे हैं और बस, यानी मुंह का फायरिंग। अरे ए वजीर, ये क्या चीज उठा के लाए हो? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। पहचान गए हो, ये हमारी बीवी है। माशाल्लाह इस कदर खुश शक्ल, खुश अखलाक। आप तशरीफ रखे ना, बैठे। जैसी सूरत वैसी सीरत, माशाल्लाह वाह वाह वाह। ए वजीर, ये मुझे पहचान गया, लेकिन तुम आज तक नहीं पहचाने। कुछ खाने पीने को पूछा है? भाभी रोजा है, रोजा है आज। रोजा है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इफ्तार का इंतजाम करती हूँ, ठीक है। यस यस यस, हिट इट, ये नो यस यस, यो बख्तू भैया, अरे बैठी। तुम्हारा लड़कन सब है? का बकवास कर रहे हैं? अरे हमारा सिर्फ दो ही बेटा है। तो फिर हम इनसे अपना तारुफ करवा लें? अल्लाह मालिक है, अपनी जिम्मेदारी पकड़ लीजिए। हेलो हेलो, हाँ तुम अपनी बत्ती से निकाल के ना हर किसी से मिल करो। कौन है ये नमूना? शर्म आ रही है उनका। नौशी जी आपके देवर हैं,
और माइटी आपके भी। देवर? What देवर? मैं बताती हूँ देवर कौन होता है मैडी। देवर वो होता है जो दबाव के पिटने वाला हो। हम काहे पिटेंगे? तारुफ ये कराए हैं, पिटेंगे भी यही। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमेशा पिटता है ना, तू नया आया तो तू ही पिट। अरे वजीर भैया, हमको कराने देते ना तारुफ। हाँ तो तू ही बता दे कौन है तू। हम वजीर के संजले अब्बा के बेटे हैं। I see, वजीर के भाई हैं आप, right? Yeah. Oh, you're welcome here. नहीं नहीं, कोई वेलकम नहीं, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है इसको। अच्छा और बात है, ये तेरे रिश्तेदार हैं, कोई तेरे खानदान में ऐसा है जिससे बात की जा सके? सारे ऐसे नमूने लीजिए ना, लीजिए मौसी जी, देख तो लीजिए। हाँ देख लिया, चल तुझे दफन भी कर देती हूँ। अरे चलिए बख्तू भैया, अरे ये वाकई में मट्टी में दबा देगी नौशी। मिस्टर बख्तू, यू टेल मी, आप यही रहते हैं पाकिस्तान में? जी हम बिल्कुल यही रहते हैं, मेड इन कराची। मेड इन कराची, अब कट ले यहाँ से। अभी तो नहीं जाएंगे, आज का दिन तब हम आपके साथ ही गुजार के जाएंगे। मिस्टर बख्तू, आप हमारा गेस्ट है। हमारा गेस्ट नहीं है, इस नमूने का गेस्ट है, तो इसी का गेस्ट लेने दे। और उठ, हम नीचे जाएंगे, इनसे जोड़ा के साथ नहीं बैठ सकते। ओके नशी, लेट्स गो। वाह वाह वाह, अरे बख्तू भैया का रोब है आपका। अरे भाग गए नौशी जी आपके सामने से। बड़े बड़े भाग गए हैं, हमको चलिए वो दिखाइए जहाँ को रेस्ट रूस्ट करना है। अरे आइए बख्तू भैया, हाथ में हाथ डाली, आइए रेस्ट रूस्ट करते, आइए। इजाजत है? किस चीज का इजाजत मिस्टर बख्तू? आपके पास पसरना चाह रहे हैं। पसरना मतलब बैठना। ओ या शोर, शादी की भी इजाजत दे दीजिए। किसका शादी? बख्तू भैया लो आ गया तुम्हारा कजन मिस्टर वजीर। वजीर तुम जिंदगी में कभी भी सही वक्त पे नाजिल हुए हो कहीं? अरे क्या बात कर रहे हो, अरे हम तो अभी भी सही वक्त पर ही टपक पड़े हैं। ये बताइए कि अफ्तार में क्या खाइएगा? हमको तो तुमको पता है अफ्तारी का कितना शौक है, बहुत सारा सामान मंगा लो। वो कहा है ना बख्तू भैया के पैसों की जरा शॉर्टेज है, तो हल्का हाथ रखना पड़ेगा। हम अफ्तारी पे हल्का हाथ नहीं रख सकते हैं बाबू। लिसन मिस्टर वजीर, पैसों का शॉर्टेज चल रहा है। हाँ। Oh, you no need to worry. You know what? मैं तुमको पैसा देगा, पैसा की टेंशन नहीं लेने का। तुम पैसे से जो दिल करे लेके आए और अपने कजन को भी खिलाएगा। ठीक है। अरे देखिए काम माइडी हमारी इज्जत करती है। मेडी तुम्हारी जितनी इज्जत करती है ना, इसका हमको बिल्कुल सही से पता है। जाओ जाके बब्बन और प्यारे को भेजो के बाजार से अफ्तारी लेकर के आए। भाई हम ना ही बात करेंगे, खुद ही बात कर लो, हमारी तो बात ही ना ही सुनते बब्बन और प्यारे। तो बब्बन और प्यारे को हम बोले का जा करके? तो और कौन बोलेगा? हम जाए मेडी जी। यस प्लीज। ज्यादा जुबान निकालने की जरूरत नहीं, सांप लगते हो। चलो सुनो बाबू लोग। ए बाबूनी, हमारा नाम प्यारे है,
अरे तुम दोनों को बाबू बोले हैं, ये लो 1000 रुपया, बाजार से जाके अफतारी ले आओ, और याद रहे इसमें से कुछ बच के नहीं आना चाहिए। सब कुछ यहाँ खर्च कर देगा तो पूरा महीना कैसे गुजारेगा? अरे नौसी जी, बहुत पैसा है हमारे पास। अच्छा, बस सीधा सीधा पता क्या लेके आना है मीरा? बस हर मौसम का फल लाना है, थोड़ा सा दही बड़ा लाना है, और थोड़ा सा तुम सिंघाड़ा ले लेना। छे सिंघाड़ा ना गाड़ा, सिंघाड़ा क्या होते है भाई? अरे पता नहीं का होता भाई सिंघाड़ा। अरे रमजान में सबसे ज्यादा सिंघाड़ा ही बिकता है। हमने तो कभी नहीं देखा सिंगाड़ा किसी ठेले पर। अरे ठेले पे नहीं बिकता है, मिठाई की दुकान के बाहर तला रहा होता है। हाँ ठीक है पूछ लेंगे जाके यार। और बता कुछ लेके आना है? बस नौसी जी से पूछ लीजिए। ये जो आ रहा है ना, यही खाती हूँ मैं, बस काफी है। बस इसी बात पे नौसी जी के लिए एक प्लेट बिरयानी। बिरयानी ये की ना तूने काम की बात? ठीक है बस, और कुछ तो नहीं है ना? एक काम और करना। अबे सारे काम एक साथ बताने में मौत आ रही है तुमको। मेडी जी पाकिस्तानी नहीं है ना, अमेरिकन है, उनके लिए एक पिज्जा ले लो। अबे 1000 रुपए में क्या आधी मार्केट खरीद ले, नई बाइक खरीद ले तुम्हारे लिए? जाए अब। चलो एक काम करेंगे, 500 का सामान लेंगे, 500 तुम्हारे और 500 मेरे। चल रहा यार प्यारे, तेरा तो रोजे में भी बहुत दिमाग चल, बहुत चलता है भाई, बहुत चलता है, इजी ले लिया। चलो चलो भाई, मार्केट दूर है यार, मार्केट दूर है, जा रहे हैं, बैठ बाइक पे। ए बख्तू, कहाँ है वजीर? वो ऊपर है, लेट गए और आंखें भी बंद है उनकी, मतलब सो रहा है। पता नहीं, हमसे बात करते करते लेट गए थे, लगता है हमारी बात सुन सुन के बोर हो गए। अम्मा देखो हम क्या लाए। आ गए लड़कन सब, सामान मिल गया अफतारी का? अरे हाँ सब मिल गया, लेकिन वो आपका सिंघाड़ा नहीं मिला भाई। अरे तुम बताओ लाए काका हो? काका तो नहीं लाए हम। अरे भाई ये देखो फल लाए हैं, इसमें दही भला है, इसमें पकौड़े हैं, और इसमें ये समोसे हैं। अरे बड़बुक समोसे को ही कहते हैं ना सिंघाड़ा। ए पागल चचा, ये बताओ कौन से मुल्क की जबान में सिंघाड़ा को समोसा कहते हैं? अरे सिंघाड़ा हम ही लोग बोलते हैं ना यार, तुमको नहीं पता ये सबका? अच्छा ये बताओ कि तुम हमें रात का खाना क्या खिला रहे? जो नौसी बोलेंगी वो मंगा लेंगे। लो फिर 1000 रुपए ढीला करो। अरे अभी पहले ये सब तो खा लो, फिर देंगे 1000 तुमको। हेलो एवरीवन, अफ्तार का सामान आ गया। जी मैडी आ गया। मिस्टर बाप तू पैसे खाम तो नहीं पड़े? कौन से पैसे? अरे कोई पैसे वैसे नहीं, हमने उनको दिखाए थे ना जो पैसे 1000 रुपए का नोट, वही पूछ रहे हैं। अरे नहीं बख्तू चाचा, हम भी 100 एपिसोड कर चुके हैं, कुछ तो गंध है। अरे मेरे 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 कौन से पैसों की बात कर रही? एक्चुअली हम दिया था मिस्टर बख्तू को 1000 इफ्तार के सामान के लिए, पूछ रहा था थम तो नहीं पड़ गया। ओ अच्छा, इसके पैसों पे पार्टी करा रहे हैं? अब जो नौशी बोलेगी वही खाना मंगवा लेगा। खाना चाहिए तो और पैसे ले लो मिस्टर बख्तू। अरे नहीं नहीं मैडी, अभी हम इनका रोजा खुलवाते हैं, आप सबर कीजिए। और मैडी आज की ब्रेकिंग न्यूज तो सुनो, चचा का अफ्तार इस घर में नहीं होगा, गरीबों के दस्तखान में होगा। पकड़ प्यारे लो। एक दफा दोबारा करें, मुझे बहुत लो लगे हम तीनों। लो लगी? मुझे ऐसा फील। दोबारा कर ले। सॉरी माय मिस्टेक, दोबारा सॉरी सॉरी। क्या बोले मैंने? अच्छा अच्छा अच्छा, नौ रोजा नहीं बोलते। अरे बोल देता हूँ। ए पागल चचा, ये बताओ मुझे संगा